गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 14th of March 2023 मार्केट का ओरिएंटेशन, मार्केट का टेक्सचर, मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी चेंज हो चुका है। इतने दिन तक हम लोग CPI डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, फेड गवर्नर का कमेंट्स, ये सब हम ट्रैक कर रहे थे कि फर्दर कितने स्टीप हाइक करेंगे, नहीं करेंगे, कहाँ से जाके टर्मिनल रेट चेंजेस होंगे, रिवर्सल होंगे, ऑल दिस थिंग्स वी आर थिंकिंग अबाउट, वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग अबाउट। बट दो दिन से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। सिलिकॉन वैली बैंक का जो रिलेटेड इवेंट्स हो चुका है एंड कल उसका फॉलो थ्रू हुआ है, उसमें अभी हम लोग क्या देख रहे हैं। आई नो स्टिल विल बी लुकिंग एट डॉलर इंडेक्स, डॉलर रुपी, यूरो डॉलर, GBP डॉलर, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हटके एनालिसिस करना चाहता हूँ। ये जो ब्लू कलर का लाइन चार्ट है वो है 10-year US ट्रेजरी वर्सेस, ये जो ऑरेंज कलर का लाइन चार्ट है दैट इज द 2-year US ट्रेजरी। ये आप देखोगे बेसिकली आपका दिस पॉइंट से यानी जुलाई 22 ऑनवर्ड्स इन्वर्शन क्या था, 2-year ट्रेजरी rates higher than the 10-year US treasury rates and recently it peaked high, yahan pe tha 5.07 aur yahan pe tha aapka 3.97 yani more than 100 basis points, abhi ye reh gaya hai 50 basis points, yani market ka jo texture, market ka jo characteristics abhi change ho raha hai, abhi tak hua nahi hai। द मोमेंट 2-year US ट्रेजरी 10-year US ट्रेजरी के नीचे आ जाएगा लाइक दिस, मार्केट विल कम टू नॉर्मलसी। सो हमें अभी इस US 2-year वर्सेस द 10-year का जो डिफरेंस है उसको भी ट्रैक करना जरूरी है। अभी आते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स कल एक अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है, अभी है आपका 103.84, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे वी कैन एक्सपेक्ट ए अच्छा खासा सेल ऑफ। एंड आपका जो वीकली था, वीकली आपका सेंटरमेंट में रेजिस्टेंस लेके आया है एंड यहाँ पे वीकली वर्सेस डेली का जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड है उसके कारण डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 101.50, करेंटली 103.83। मंथली आपका रेंज शिफ्ट करने का प्रयास में है, बोले तो जो पहले आपका 80 RSI चला गया था वो बिलो 60 आने के बाद अभी टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, नॉट एग्जैक्टली एट 60 टू नियर बाई, दैट इज एट अराउंड 58। अभी भी मंथ का आधा बाकी है, सो हमें इंतजार करना है कि ये RSI जो है क्लियर कट रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है एंड प्रीवियस जो स्विंग है दैट इज एट 5.53 उसके नीचे RSI नीचे आता है या नहीं। इन सच अ केस देयर विल बी कंफर्मेशन अ रेंज शिफ्ट ऑन अ मंथली पर्सपेक्टिव डॉलर इंडेक्स एंड व्हाट इट इंडिकेट्स, इंडिकेट्स द सॉफ्टनेस इन डॉलर विल प्रिवेल इन द मार्केट। डॉलर रुपी, डॉलर रुपी में कल आपका लोअर ओपनिंग था, ओपनिंग आपका हमारे इंडियन मार्केट में इट वाज ओपन अराउंड 81.7677, ट्रेडेड लो ऑफ 81.7374, बट हियर इन जो ग्लोबल मार्केट का जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से ये ट्रेडेड लो ऑफ 81.71, देयर आफ्टर इट ट्रेडेड हाई ऑफ 82.41। ये क्यों हुआ है, बिकॉज द फॉलो अप ऑफ सेकेंड बैंक इन US जो जिसका शेयर प्राइस फर्दर 60% डाउन हो चुका है। अभी हमें बहुत ही केयरफुली देखना है प्राइस एक्शंस को। अभी यहाँ पे एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, क्या लेवल है आपका, ये जो लाइन खींचा हुआ है 82.45 to 82.55 to be precise,
ये जोन इज गोइंग टू एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। क्या आज के प्राइस एक्शन में डॉलर रुपी इसके ऊपर सस्टेन करता है? अगर ये सस्टेन करता है तो जो डॉलर रुपी का पेस ऑफ एप्रिसिएशन, रुपी का जो एप्रिसिएशन था वो हॉल्ट हो जाएगा। बट अगर ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके वापस आता है एंड लो को टेस्ट करता है, देन रुपी इज गोइंग टू एप्रिशिएट फर्दर एंड विथ ए ग्रेटर फोर्स। सो आने वाले दिनों में डॉलर रुपी का हेवी वॉलिटिलिटी इज एक्सपेक्टेड। जीबीपी डॉलर अभी है आपका 1.2154, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट जीबीपी डॉलर टू गो हायर। अभी हमें हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस को ट्रैक करना है एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली ट्रेड, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है, अभी हमें हायर हाई हायर लो देखना है फॉर एनकेशिंग ए गुड ट्रेंडेड मूवमेंट। यूरो डॉलर अभी है 1.0707, सिमिलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है। आज ये कल का यानी 13th मार्च के हाई के ऊपर ट्रेड होना चाहिए एंड देयर आफ्टर इट शुड मेक हायर हाई हायर लो। इन सच ए केस यूरो डॉलर में एक्सपेक्टेड टू मूव हायर एंड यूरो आईएनआर में भी सिमिलर। आप देखो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया हुआ है एंड आज या आने वाले दिनों में ये कल का 13th मार्च के हाई के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। डॉलर येन अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है, अच्छा खासा सॉफ्ट ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे आ चुका है एंड यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सिमिलरली वही है ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड, दैट बीइंग द केस आपका देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर येन में मूव टूवर्ड्स 127.50 टू 128.50, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या देखना है? प्राइस एक्शन पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बोथ ऑन लोअर टाइम फ्रेम एज वेल एज ऑन हायर टाइम फ्रेम हमें देखना है। येन आईएनआर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया है, यहाँ पर भी सिमिलर। ये आज या आने वाले दिनों में 13th मार्च का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए एंड ये कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस ऑन ईच टाइम फ्रेम करना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम में करना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है। डॉलर कैंडी ये देखो 10th मार्च को एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था। एज पर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोजी कैंडल हाई के ऊपर कंटिन्यूशन, लो के नीचे सेल ऑफ। क्या हुआ? लो के नीचे सेल ऑफ हो चुका है। देन बीइंग द केस अभी हमें देखना है, क्या देखना है? ये देखिए प्रीवियसली 1.37 लेवल पे, ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस था। अभी हमें ये देखना है कि क्या ये प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या इस लेवल के ब्रेक डाउन करके नीचे चला आता है। क्या होता है हमें ये देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ आरएसआई टर्म्स में इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। क्या इट इज एबल टू टेक सपोर्ट एट 60 एंड मूव हायर और फेल्स टू टेक सपोर्ट एट 60 एंड मूव्स डाउन? इसका एक हायर टाइम फ्रेम में एक नजर डाल लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम में आपका मंथली इज नियर बाय 60-61। क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या नहीं? हालांकि अभी काफी टाइम बाकी है। वीकली में भी 60.65, बेसिकली ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60, डेली में भी, वीकली में भी एंड मंथली में भी। दैट बीइंग द केस इफ इट इज able to take support at 60, in such a case dollar candle में एक fresh high, हम fresh high बोले तो ये previous जो 10 तारीख का high है उसको break करके may approach towards 1.40। क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। Aussie dollar consolidation के बाद further follow through नहीं था, rather ये ऊपर जाके कहाँ पे resistance लिया, इस line पे resistance लिया 0.67। अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को नजर देना है। क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर लो को ब्रेक करता है? क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है? ऑल्सो दिस रेजिस्टेंस दैट इज एट 0.67 इसके ऊपर क्लोज दे देता है।
क्या करता है ये हमें देखना पड़ेगा। CNH 6.84 अच्छा खासा सेल ऑफ हो चुका है, जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस था, क्या था, ये नेकलाइन इज द फर्स्ट टारगेट, डेट इज 6.8687, उसके बाद बिलो दिस वी कैन एक्सपेक्ट 6.74। अभी ये नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है, आज के दिन में फॉलो थ्रू चाहिए। व्हाट आई वांट टू मीन, कल के लो के नीचे कंटिन्यू करना चाहिए। इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि CNH में मूव टुवर्ड्स 6.74। यूके ऑयल 80.60, कल ये 79 के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया, एक डीप मारा आपका 78.39 एंड अगेन क्लोज्ड हायर एट 80.63। जब तक इस रेंज के अंदर में है, ये दोनों तरफ सबको वॉलेटाइल मूव में फंसाने का कोशिश करेगा। समवन ऑन द राइट ट्रैक में मेक मनी, समवन ऑन द रॉन्ग ट्रैक विल लूज ऑफ बीच। यूएस 10-year ट्रेजरी अभी है 3.56, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था बिफोर NFP। आप अगर फ्राइडे 10th ऑफ मार्च का मॉर्निंग करेंसी एनालिसिस आप ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली यहाँ पे ये आपका डिस्कस किया था कि देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए, क्या US 10-year ट्रेजरी, एंड वही हुआ आफ्टर द NFP डेटा एंड ऑल्सो सिलिकॉन वैली बैंक का इंसिडेंट इसको और भी सॉफ्ट कर चुका है। दैट बीइंग द केस, अभी जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 3.35, यानी 3.3 से 3.4 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सो हमें अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया ये 10-year वर्सेस 2-year, क्या ये जो आपका इनवर्स कर्व किया था उसको फिर रीइंस्टेट करता है, व्हाट इट मींस, क्या 10-year मूव्स हायर अबोव 2-year, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। दिस विल टोटली चेंज द मार्केट कंटूर, मार्केट टेक्सचर, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।